वेलकम टू जीके फैक्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है आईसीसी रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि सूर्य कुमार यादव जो है ये दुनिया के नंबर वन T20 बल्लेबाज है। तो याद रखिएगा कि आईसीसी T20 के अंदर अगर कोई नंबर वन बल्लेबाज है तो वो हमारी इंडिया टीम के सूर्य कुमार यादव है। ठीक है, आपने इनको अभी जो चल रहा है T20 उसमें आपने इनको जरूर देखा होगा कि कितने बढ़िया ढंग से बैटिंग कर रहे हैं। काफी अच्छा इनका अनुभव है और काफी अच्छा जो है खेलते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते इनको जो है T20 की तरफ से, T20 बल्लेबाज की अगर अंदर बात करेंगे तो सूर्य कुमार यादव प्रथम नंबर पर है। अब इन्होंने किसको पीछे छोड़ा है इसके ऊपर बात करेंगे। साथ में विराट कोहली कौन से नंबर पर है उसको जानेंगे, क्योंकि अगर कोई किंग है तो वो विराट कोहली है, उसको जानेंगे कौन सा। साथ में बॉलिंग के अंदर बात करेंगे कि किसने प्रथम स्थान हासिल करा है, किसने द्वितीय और किसने लास्ट का। ठीक है, तो टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक दो नंबर का क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लियर, वहां से आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एक पॉइंट को। तो अभी आपको पता होगा कि आईसीसी की रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम पर है। यानी कि नंबर वन बल्लेबाज अगर कोई है T20 के अंदर, विश्व के अंदर, तो वो है सूर्य कुमार यादव। ठीक है, आप इनको इमेज में देख सकते हैं। साथ में हाल ही में चल रहा है जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें इनका शानदार प्रदर्शन देखने को हमको मिल रहा है। ठीक है, और प्रदर्शन के दम पर जो है इनको अभी सूर्य कुमार यादव को जो है यह मुकाम हासिल करा गया है। ठीक है, अगर अभी हम बात करें अभी तक की रैंकिंग में, इन्होंने दूसरे नंबर पर था ये। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या करा, जो पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज है जिनका नाम है मोहम्मद रिजवान को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, अब तक जो थे मोहम्मद रिजवान थे T20 वर्ल्ड कप T20 रैंकिंग के अंदर अगर बात करेंगे, प्रथम पर जो थे वो मोहम्मद रिजवान थे। ठीक है, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज है, स्टार्टिंग में आते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है ना, लेकिन अभी इनको पीछे छोड़ दिया है किसने, सूर्य कुमार यादव ने। क्योंकि आपको पता है कि भारत ने जो 3 से 4 मैच जो खेले अभी उसमें सूर्य कुमार यादव का अच्छा प्रदर्शन रहा है, काफी अच्छा इन्होंने प्रदर्शन अपना करा है। ठीक है, अब सूर्य कुमार यादव जो है ये टॉप रैंकिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ये आपको याद रखना है कि सूर्य कुमार यादव जो है ये टॉप रैंकिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। सूर्य कुमार यादव की अगर अंकों की बात करें, रैंकिंग की अगर बात करें अंक के अंदर, तो 863 अंक और रिजवान को 842 अंक जो है प्राप्त हुए, इसीलिए इनका स्थान ऊपर नीचे कर दिया गया है। मतलब पहले पर सूर्य कुमार यादव और सेकंड पर मोहम्मद रिजवान। ठीक है, अब सूर्य कुमार यादव इस वर्ष यानी कि 2022 में जो है अभी तक सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल रन जो है बना चुके हैं। मतलब अगर किसी के नाम सबसे ज्यादा आज की डेट तक, 2022 के इस साल तक, अगर किसी के नाम सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन बनाने का रिकॉर्ड है तो वो सूर्य कुमार यादव का है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अब थोड़ा इसको पूरा डिटेल से समझते हैं कि कौन प्रथम सेकंड थर्ड पर रहा, साथ में बॉलिंग के अंदर किसको कौन सा स्थान मिला है उसको जानते हैं। देखिए, ये सारी रैंकिंग है बैटिंग की और बॉलिंग की, दोनों की यहां पर रैंकिंग दी गई है। ठीक है, तो दोनों रैंकिंग को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले पर मैंने आपको बता दिया सूर्य कुमार यादव है, करीबन इनको 863 अंक जो है मिली है, रेटिंग मिली है। मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान के हैं उनको जो है 842 मिले हैं। ठीक है, डिवॉन डिवॉन जो कि कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं डिवॉन। ठीक है ना, कॉनवे डिवॉन कॉनवे जो है इनको 792 अंक के साथ ये तीसरे पर रहे। तो ये टॉप थ्री रैंकिंग तो आप याद रखिएगा, डिवॉन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं और ये तीसरे स्थान पर रहे हैं। ठीक है, बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम जो है इस लिस्ट में चौथे पर पहुंच गए, 780 के साथ चौथे पर पहुंच गए आईसीसी की रैंकिंग के अंदर। ठीक है, एक तो आपको ये याद रखने है ना। एडिन मार्करम जो है वो साउथ अफ्रीका के हैं, ये जो है किस पर पहुंच गए हैं, ये 5वें नंबर पर है। ठीक है, उसके बाद मेलन, ये आपको इंग्लैंड के आप देख सकते हैं। ठीक है, ये 743 अंक के साथ है। ठीक है, फिलिप्स जो है वो 703 अंक के साथ, रेटिंग के साथ 7वें नंबर पर है। ठीक है, और उसके बाद अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली 10वें नंबर पर है। ठीक है, यानी कि T20 बैटिंग के अंदर जो विराट कोहली है वो 10वें नंबर पर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 638 अंक है इनके। क्लियर है, बॉलिंग के अंदर बात करें राशिद खान कहाँ के हैं, अफगानिस्तान के हैं। राशिद खान जो है वो पहुंचे हैं प्रथम पर। ठीक है, राशिद खान कहाँ पर है, प्रथम पर है। ठीक है, यहाँ बॉलिंग में जो है भारतीय कोई भी नहीं है टॉप 10 के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों लिस्ट है, आप इनको देख सकते हैं, दोनों आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और दोनों के 10-10 जो पॉइंट है ना, दोनों के 10 टॉप जो है प्लेयर उनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है,
बॉलिंग के अंदर इंडियन नहीं है कोई भी, ठीक है, पर प्रथम पर अगर बात करें तो राशिद खान है, ये आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं, अब ये मुकाम कैसे हासिल हुआ है सूर्य कुमार यादव को, इसके ऊपर बात करते हैं। तो सूर्य कुमार यादव आपको पता होगा, इन्होंने जो है ये मुकाम बहुत ही जल्दी हासिल कर लिया है, काफी जल्दी इन्होंने मुकाम हासिल कर लिया है, क्योंकि इन्होंने पिछले साल मार्च में जो है भारत के लिए T20 क्रिकेट खेलना शुरू किया था, और अब तक यानी कि 2 नवंबर 2022 तक का यहाँ डेटा है, 38 मैच में से 1 शतक और 11 ये अर्धशतक लगा चुके हैं, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है कि इन्होंने जो है अभी तक 38 मैचों में से 1 शतक और 11 शतक ये लगा चुके हैं, ठीक। अब हाल ही में जो चल रहा है T20 वर्ल्ड कप, उसमें भी इनको जबरदस्त फॉर्म देखने को मिल रही है हमें, है ना, और 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं अब तक। अपने खेल के दम पर खुद को सबसे छोटे प्रारूप में इन्होंने स्टार्ट कर और आज ये सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज के रूप में उभर रहे हैं, है ना, स्थापित कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो आपको पता होगा वैसे मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते थे, आईपीएल में ही अगर मैं बात करूँ तो आईपीएल से ही जो है इनका करियर हमको देखने को मिला, ठीक है, क्योंकि अगर कोई प्लेयर आता है तो वो आईपीएल से ही आता है, जाहिर सी बात है ना। तो ये भी जो है हम आईपीएल से ही जो है क्या करने को देखने को मिले थे, ठीक है ना, एक तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। करियर की अगर मैं इनकी बात करूँ तो 2011 10 से 11 के बीच में इनका करियर शुरू हो गया था, रणजी सत्र जो होता है, रणजी ट्रॉफी जो होती है, वहां से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, ठीक है। दिल्ली के खिलाफ जो है प्रथम श्रेणी में क्रिकेट के अंदर इनका डेब्यू हुआ था उस समय, और T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जो इनको पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच मिला, यानी कि भारत के लिए इन्होंने जो अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला वो इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, ठीक है। कहाँ पर खेला था सूर्य कुमार यादव ने, इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है वहां पर खेला गया था 14 मार्च 2021 को, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रथम जो है T20 बल्लेबाज अभी बन गए हैं, ठीक है। आप लगा सकते हैं कि 10 से 12 साल में कितनी तरक्की कर ली इन्होंने, है ना। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है 14 मार्च 2021 को यहां पर T20 अंतरराष्ट्रीय मैच होता है इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पर इन्होंने अपना डेब्यू करा इंटरनेशनल के अंदर, ठीक है। और वनडे डेब्यू की अगर बात करें तो वनडे डेब्यू में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू करा था, ठीक है ना, और ये जो हुआ था 18 जुलाई को हुआ था ये मैच 2021 में, और इस समय आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से ये खेलते हैं, क्लियर है, काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, ठीक। तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है। अब बात थोड़ा किंग कोहली की कर लेते हैं कि विराट कोहली जो है वो 10वें पर है तो कैसा रहा है, हालांकि बात करें तो अभी तो यही चल रहे है ना। तो विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं अभी तक, इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो है किंग कोहली, ठीक है। ये आपको इनके बारे में याद रखना है कि विराट कोहली एकमात्र ऐसा प्लेयर है विश्व के अंदर जिसने सबसे ज्यादा अब तक सबसे ज्यादा इतिहास के अंदर रन बना लिए T20 के अंदर, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो अभी इस समय चल रहा है T20 विश्व कप, उन्होंने एडलेड में बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, एडलेड के अंदर अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो मुकाबला हुआ था उसमें ये उपाधियां हासिल कर ली है। T20 विश्व कप में श्रीलंका के पूर्व कप्तान है महिला जयवर्धने के 1016 रन से आगे निकल गए हैं ये इस समय, ठीक है ना, 1016 रन से भी काफी आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो जहां इनको ये कहा जा रहा था कि संन्यास ले लेना चाहिए, विराट कोहली अब जो है अब नहीं चल पाते T20 में, नहीं खेल पाते हैं, तो ये जीता जाता एक सबूत है, ठीक है। और ये हमेशा इंसान को जो है अपने पर निर्भर होना चाहिए, दूसरे पर निर्भरता कभी नहीं होनी चाहिए, दूसरों की बातें भी कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर इनको जो है कपिल देव सर जो है उन्होंने भी ये कह दिया था कि किंग कोहली जो है T20 के लिए नहीं है, हालांकि इन्होंने अपना जो है मेहनत नहीं छोड़ी, मेहनत करी अच्छे से करा, वापसी देखने को मिली पाकिस्तान वाले मैच में, है ना, और इतनी अच्छी वापसी देखने को मिली कि हमें जीत हासिल करा दी। तो किसी की बातें से अगर आप निराश होते हैं तो ये आपकी मूर्खता कहलाती है, निर्भरता इंसान को गुलाम बनाती है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर बनना है तो विराट कोहली जैसा बनिए, बनना है इलोन मस्क जैसा बनिए, ठीक है, जिनको लोग कुछ भी कहें ये अपने कार्य पर लगे रहते हैं और अपने मुकाम को हासिल करते हैं, क्लियर है। तो जीता ज्यादा सबूत है हम लोगों के सामने, आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। अगर आपको कोई डाउट लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और साथ में जो है इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जो है टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में PDF पा सकते हैं। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो, आज वोकैबुलरी हुई थी तो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।